फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं हरा भरा कबाब, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए मैंने लिया है पालक 200 ग्राम, 3 आलू, कुछ मटर है, फूलगोभी, 1 शिमला मिर्च और गाजर। उसके अलावा मैंने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है तेल, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ब्रेड क्रम्स से मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है ड्राई रोस्ट करके, कॉर्नफ्लोर है, ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए काजू और बादाम। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन में मैंने पालक को डाल के इसे मैंने ड्राई रोस्ट किया है। इसमें ना ही मैंने ऑयल डाला है, ना ही पानी डाला है, जस्ट सूखा मैंने इसको भून लिया। अब मैंने इसको निकाला प्लेट में, सेम उसी पैन में अब मैंने डाला है गाजर और शिमला मिर्च को डाल के मैंने इन्हें भून लिया। ऐसे करने से इनमें जो नमी है वो निकल जाएगा और बाइंडिंग करते समय आसानी होगी। अब मैंने डाला है फूलगोभी, फूलगोभी डाल के मैं इनको अच्छे से भून ले रही हूँ। हमें सारे वेजिटेबल को या तो ग्रेट कर लेना है या बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये अच्छे से भुन गया है, अब मैं इनको निकालूंगी प्लेट में निकाल के इन्हें ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इनको ग्राइंड करूँगी। बच्चे जनरली ग्रीन वेजिटेबल या अदर वेजिटेबल खाते नहीं, उन्हें कबाब या कटलेट बना के खिलाओ तो बहुत अच्छे से खाते हैं। अभी मैंने लिया है मिक्सी का जार और उसमें डाले हैं वेजिटेबल। उसके बाद हाफ कटोरी मटर है, ये फ्रोजन मटर है, इन्हें मैंने भुना नहीं है, डायरेक्ट डाल दिया। अब ये ग्राइंड हो गया, इसे मैं निकाल रही हूँ एक बाउल में। बाउल में निकाल के अब मैं इसमें डालूंगी बाकी की चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, आलू को मैंने मैश करके डाला है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 स्पून, हाफ स्पून मिर्च पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर, ये है गरम मसाला, हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर उसके बाद है कॉर्नफ्लोर अराउंड 1.5 स्पून। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स अराउंड 2.5 स्पून डाल के, हाफ स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, डाल के अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इन्हें मैं दूंगी कबाब का शेप। हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसमें मैंने ग्राइंड करते समय पानी नहीं डालना। इनकेस अगर आपका बैटर गीला होता है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना, बैटर परफेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इन्हें दिया कबाब का शेप। देखिए इसके अंदर मैंने रखा है ड्राई फ्रूट रख के अब मैं इनको ब्रेड क्रम में कोट कर रही हूँ। ऐसे करने से कबाब बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मैं एक और बना रही हूँ, मैंने पहले बनाया इसका गोला, थोड़ा सा बैटर लेके इसको हाथ से प्रेस किया। अब इसके अंदर मैंने रखा है ड्राई फ्रूट रख के अब मैं इसको ब्रेड क्रम में कोट कर रही हूँ। कोट करके मैं इसे रखूँगी प्लेट में। इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लूँगी। सारे कबाब बन गए, कुछ को मैंने ब्रेड क्रम में कोट किया है, कुछ को ऐसे ही रखा है। अब मैंने एक पैन में तेल गर्म किया है, गरम करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ कबाब। यहाँ पे मैं कबाब शेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो या माइक्रोवेव में भी इसे आप रोस्ट कर सकते हो। अब मैंने ऊपर नीचे पलटते हुए शेलो फ्राई करूँगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ऐसे सिंपल भी बहुत अच्छा बनता है। ऊपर नीचे पलटते हुए मैं इसे शेलो फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने निकाल ले रही हूँ। निकाल के सेम इसी तरीके से मैं बाकी सारे कबाब भी फ्राई कर लूँगी। ये कबाब बहुत टेस्टी है, आप इसे सिंपल ऐसे भी खा सकते हो या किसी चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बनता है। आप भी ये टेस्टी हेल्दी हरा भरा कबाब बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।